2, 3, 4, 5. Wonder guys, what I am counting? I am counting the number of mistakes the students do while writing the introduction of the writing task 2. Hi guys, this is Neha Verma from IELTS Tracker. So you can well imagine, agar aap itni galtiyan introduction mein hi karoge, so you can think that how much you are going to score from rest of the part. I mean to say, जो इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हो तो आप सोच सकते हो कि वहां से आप कितना स्कोर करोगे. सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम ऑफ द सैंपल्स, ऐसे सैंपल्स और एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी अलोंग विद द मिस्टेक्स, सो दैट आप वो मिस्टेक्स अपने राइटिंग टास्क 2 में एंड मीन इंट्रोडक्शन में ना करें. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट सैंपल दैट आई हैव, फर्स्ट द क्वेश्चन इज, आप क्वेश्चन पहले देखेंगे, क्वेश्चन में है क्या, एडुकेटिंग प्रिजनर्स इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस क्राइम, डू यू एग्री और डिसएग्री. तो आपको क्या लगता है कि यही एक बेस्ट वे है, एक तरीका है जिससे हम क्राइम को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, बाय एडुकेटिंग द प्रिजनर्स. सो डू एग्री और डिसएग्री. नाउ हाउ अ स्टूडेंट राइट देयर इंट्रोडक्शन, एडुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी वंस लाइफ, एडुकेटिंग क्रिमिनल्स कैन हेल्प टू लेसन द क्राइम. सो आई एम गिविंग 10 seconds टू स्पॉट the mistake in this introduction. Time is up everyone. So the first mistake is, education plays an important role in everyone's life. अब ये देखो, ये sentence कितना ही common है जो हर एक student लिखता है अपने writing task 2 में. सो इफ योर टारगेट, ये गलत नहीं है, इफ योर टारगेट इज टू स्कोर 7+, सो इट्स बेटर यू स्टॉप राइटिंग दीज क्रैम्ड और सो मच यू कैन से कॉमन लाइन्स. ओके, और गाइस मैंने एक सेपरेट वीडियो भी प्रिपेयर की हुई है, आप आई बटन में चेक कर सकते हैं जाके, दैट इज टॉप 3 मेथड्स ऑफ राइटिंग एंड इफेक्टिव इंट्रोडक्शन. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द मिस्टेक्स, सो नेक्स्ट दैट वी हैव, एडुकेटिंग क्रिमिनल्स कैन हेल्प टू लेसन द क्राइम. अब ये देख सकते हो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या था, एडुकेटिंग प्रिजनर्स, ये सिनोनिम है क्रिमिनल्स, आई अंडरस्टैंड दिस इज अ सिनोनिम फॉर द प्रिजनर्स, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड हियर. क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है, जो जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो प्रिजनर्स होंगे, मींस वो सारे जेल में रहते हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो बाहर घूम रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग केप्ट इन द प्रिजन. तो अब पहली बात तो ये गलती. ओके, एंड देन मोर ओवर एडुकेशन में उसने यहाँ पे पूछा है दैट एडुकेटिंग प्रिजनर्स इज द बेस्ट वे, और इसने यहाँ पे टास्क को रिस्पॉन्ड नहीं किया है. एंड यू नो, टास्क को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो यू कैन लूज योर 25% ऑफ योर बैंस. तो अब यहाँ पे बेस्ट वे था तो टास्क को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, क्योंकि वहां पूछा गया था कि यही एक बेस्ट वे है, और इसने सिर्फ बताया है कि इससे क्या हो सकता है, हम क्राइम को कम कर सकते हैं. तो यहां से भी क्लैरिटी नहीं है व्हाट दी लाइक व्हाट द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू से है. तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इज दी बेस्ट वे था. ओके, एंड द अनदर मिस्टेक इज, आप देखो इसने लाइन को लिखा. ओके, उसके बाद इसने डायरेक्टली जंप कर दिया स्टेटमेंट पे दैट एडुकेटिंग क्रिमिनल्स कैन हेल्प टू लेसन दी क्राइम. तो इन दोनों में कनेक्शन ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पहले से एडुकेशन की बात की और वो एडुकेशन के बाद वो डायरेक्टली जंप कर गया प्रिजनर्स पर, आई मीन टू से उसकी जो गलती है क्रिमिनल्स पर वो जंप कर गया. तो यू आर वेल अवेयर की राइटिंग टास्क 2 में हमारे पास एक और पैरामीटर होता है, दैट इज कोहेरेंस एंड कोहेजन, मींस लिंकेज बिटवीन द आइडियाज और यू कैन से सेंटेंसेस. अगर लिंकेज नहीं होगी, अगेन यू कैन लूज योर 25% ऑफ योर बैंस. सो बी श्योर दैट व्हाट यू आर राइटिंग. सो नाउ गाइस लेट्स डिस्कस द सैंपल 2. Crime is increasing day by day. There are many factors which are responsible for this issue. I believe that educating prisoners is the best way to reduce crime. So I'm giving you again 10 seconds to spot the mistakes. Okay, so your time starts now. So guys, the time is up everyone. So let's start with the first line, that is crime is increasing day by day. Again guys, this is a common line. So again I want to tell you, if your target or you are aiming to achieve 7+, so you need to what?
eliminate these common lines. हाँ बट ये भी कई बार होता है कि जो आपको कई बार स्ट्राइक नहीं करता है, मानती हूँ कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं आपको कई बार इंट्रोडक्शन स्ट्राइक नहीं करती है कि कैसे स्टार्ट करें, तो आप लिख सकते हो, ये गलत नहीं है. ओके बट व्हाट आई प्रेफर इज टू ब्रिंग सम वैरायटी इन योर इंट्रोडक्शन. ओके नाउ नेक्स्ट इज देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इशू. ये लाइन ठीक है क्योंकि उसने पहले बताया कि क्राइम बढ़ रहा है. ओके एंड इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके सो ये कनेक्शन है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, आई बिलीव दैट एडुकेटिंग प्रिजनर्स इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस क्राइम. अब आप देखो इसमें क्लैरिटी है. हाँ उसने बताया कि हाँ कि ये एक बेस्ट वे है, बट गलती कहाँ है, उसने स्टेटमेंट को रीफ्रेज नहीं किया. सो यू नीड टू रीफ्रेज द स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि यू नो वेरी वेल इन राइटिंग मॉड्यूल वी हैव व्हाट वर्ड लिमिट. तो अगर आप वर्ड लिमिट को लेके चलते हो तो अगर उसमें आप सीधा डायरेक्टली कॉपी करते हो स्टेटमेंट से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके वर्ड लिमिट में से ये चीज डिडक्ट हो जाएगी. तो रिडक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यू विल लूज योर बैंड्स. सो इट्स बेटर टू रीफ्रेज द स्टेटमेंट. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ टू राइट अ परफेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वेरी स्टेटमेंट. So now guys, let's see how I write my introduction. So it is irrefutable that crime is burgeoning in many countries. Studies have shown that low level of education is the leading factor behind this. I believe that to curb crime, teaching prisoners is the sole method. अब देखो पहली बात तो ये, starting में generally students क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको sample दिखाए हैं, वो लिखेंगे increasing, important है. तो दीज आर व्हाट इज द कॉमन लाइंस. तो उसको मैंने रीस्ट्रक्चर किया है, रीफ्रेस किया है बाय स्टार्टिंग माय इंट्रोडक्शन बाय राइटिंग दिस लाइन. अब उसके बाद मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा है, स्टडीज हैव शोन दैट लो लेवल ऑफ एजुकेशन इज द लीडिंग फैक्टर बिहाइंड दिस. अब बस ये ध्यान से देखो, लो लेवल ऑफ एजुकेशन ये मैंने पिक किया पॉइंट फ्रॉम द स्टेटमेंट. कैसे? उसने कहा है कि क्राइम को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन एडुकेट दी प्रिजनर्स. तो उसको मैंने रिवर्स कर दिया. और रिवर्स कैसे किया कि लो लेवल ऑफ एडुकेशन है, यही एक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्राइम के लिए. सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या किया, पहले ये बताया दैट इट इज वेरी मच लाइक इट इज बर्जनिंग इन मेनी कंट्रीज, मीन इट इज इंक्रीजिंग इन मेनी कंट्रीज. उसको सपोर्ट करने के लिए, इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए और इसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स ये लाइन लिखते हैं, कोई भी लाइन लिखते हैं, तो उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस लिखते हैं वो कनेक्टेड नहीं होता है, कनेक्शन नहीं होता है, कोई लिंकेज नहीं होता है. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स आपको पता है कि इन राइटिंग मॉड्यूल वी हैव वन ऑफ द पैरामीटर दैट इज व्हाट, कोहेरेंस एंड कोहेजन. कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या है, दैट इज लिंकेज बिटवीन योर आइडियाज एंड सेंटेंसेस. अगर लिंकेज नहीं होगी तो स्टूडेंट्स यू यू कैन लूज 25% ऑफ योर बैंक्स. तो अब इसके बाद इंट्रोडक्शन में ये भी एक बहुत मैटर चीज करती है कि आप टास्क को रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, कि ओपिनियन की क्लैरिटी है या नहीं है. मीन्स जैसे ये देखो, अब उसने पूछा था स्टेटमेंट क्या डिमांड करती है, डू यू एग्री और डिसएग्री. तो अगर आप इंट्रोडक्शन में नहीं बताओगे कि आपका ओपिनियन क्या है या आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू बिलीव, तो अल्टीमेटली यू कैन लूज योर बैंक्स. अब यहां पे मैंने अपना ओपिनियन दिया है कि आई बिलीव दैट व्हाट टू कर्व क्राइम, टीचिंग प्रिजनर्स इज द सोल मेथड. अब यहां पे मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को मैंने रीस्ट्रक्चर किया, रीफ्रेस किया बाय राइटिंग दिस लाइन. एंड अगेन अब इसको रीफ्रेस क्यों किया है, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव वर्ड लिमिट इन आवर राइटिंग मॉड्यूल. सो अगर हम एज दिस कॉपी कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे जब वर्ड लिमिट में से ये चीज डिडक्ट हो जाएगी, तो अगेन इट विल अफेक्ट द बैंक्स. सो गाइज, इफ यू हैव लर्न्ड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सिबलिंग्स एंड कलीग्स, हूसोएवर इज स्ट्रगलिंग इन आइल्स. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज आइल्स क्रैकर. एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स और क्वेश्चंस. थैंक यू एवरीवन.